आज तो 100 रुपये में आपको अंडे वाला बर्गर नहीं कहीं से मिलता जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़रियाब, आप देख रहे हैं फूड एंड ब्लॉग्स और हम मौजूद हैं गुजरात में। तंदूरी पिज़्ज़ा, तंदूरी चाय काफ़ी मशहूर है यहाँ की, तो उसका विज़िट करने आए हैं, तो आपको दिखाएंगे कि ये कैसे बनती है और टेस्ट करके आपको बताएंगे क्या सीन है यहाँ का, तंदूरी पिज़्ज़ा कैसा है और चाय कैसी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। ये देख सकते हैं आप, ठीक है, कस्टमर वगैरह बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ भाई बैठे हुए हैं चाय वगैरह पीने के लिए। और ये आप देख सकते हैं ऊपर गुजरात तंदूरी चाय, ठीक है, और तंदूरी पिज़्ज़ा काफ़ी मशहूर है गुजरात का, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताते हैं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है जी। तो अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं रिसेप्शन है यहाँ पे, ठीक है, और ये आप सिटिंग एरिया देख सकते हैं सारा। ये फैमिली हॉल का सिटिंग एरिया ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा वगैरह, ये रेडी हो रहा है पिज़्ज़ा, ठीक है। तंदूरी सिस्टम है, आप देख सकते हैं सारा। आपको आगे मज़ीद अंदर लेके चलते हैं और उस साइड से दिखाते हैं। ये भट्टी लगी हुई है, ठीक है, और ये आप देख रहे हैं पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है। जी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्गर तैयार किए जा रहे हैं। ये कौन से भाई, जिंगर बर्गर हैं जी, जिंगर बर्गर तैयार किए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये जिंगर पैटीज, हाँ जी, यहाँ पे जिंगर पैटीज जो है फ्राई की जा रही है। ये देख सकते हैं आप भट्टी के अंदर तैयार किया जा रहा है तंदूरी पिज़्ज़ा, काफ़ी ज़बरदस्त कलर है इसका, देख सकते हैं आप, अभी रेडी हो रहा है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। ये देख सकते हैं आप जिंगर बर्गर जो है वो तैयार किया जा रहा है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि वैसे तो जो इसकी प्राइस है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे सिर्फ आपको 100 रुपीज़ में मिलेगा। जी यहाँ पे देख सकते हैं आप, पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है और इसकी कटिंग की जा रही है। तंदूरी पिज़्ज़ा देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है। हो गया भाई रेडी? रेडी हो जी। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, जिंगर पैटीज तैयार हो चुकी है, ठीक है, फ्राई हो चुकी है अच्छे से, और ये अभी रेडी कर रहे हैं हमारे जिंगर बर्गर्स, ठीक है। तो मज़ेदार बात यह है कि गुजरात में और जितना भी ज़िला गुजरात है यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है इतनी लो प्राइस मैंने देखी है। अदरवाइज़ या इसका रेट जो है वो आपको तकरीबन 180-200 तक मिलेगा, और यहाँ पे जो है वो फ्रेश मटेरियल हमारी आंखों के सामने सारा तैयार हुआ है,
ठीक है, साफ़ सुथरा माहौल था और सारा कुछ ज़बरदस्त तरीके से रेडी किया गया है और सिर्फ 100 के अंदर जिंगर बर्गर। तो ये काफ़ी हैरान की बात है। तो अभी इनको खा के हम चेक करेंगे तो देखेंगे क्या इसका टेस्ट है, तो आपको फिर बताएंगे। ये देख सकते हैं आप, जी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दोस्त मौजूद हैं और ये पिज़्ज़ा आ चुका है हमारा और जिंगर बर्गर्स भी आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी हमारे दोस्त खाएंगे और बताएंगे आपको कि कैसा लगा इनको जिंगर बर्गर। पहली दफ़ा इतनी लो प्राइस में इनका जिंगर खाया पूरे ज़िले गुजरात में, बहुत अच्छा टेस्ट है। जो बंदा भी गुजरात विज़िट करे वो ज़रूर इनका जिंगर बर्गर चेक करे, बहुत अच्छा है जी। यहाँ पे हमारे दूसरे दोस्त मौजूद हैं तो इनसे जानेंगे कि इनको जिंगर बर्गर इन्होंने टेस्ट किया है अभी, तो कैसा लगा इनको जिंगर बर्गर। जी अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, यहाँ पे गुजरात में जिंगर बर्गर बहुत ही लो प्राइस में मिलता है, बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह, अच्छा टेस्ट है। तंदूरी पिज़्ज़ा भी है इधर, ठीक है, तंदूरी चाय भी है, लो प्राइस में मिलते हैं, एक बार आकर ट्राई ज़रूर करें आके, शुक्रिया। अभी हमारे एक और भाई हैं वो भी मौजूद हैं और अभी इन्होंने जिंगर बर्गर अपना हाफ फिनिश किया, ठीक है, तो इनसे जानेंगे कि इनको कैसा लगा है। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे भाइयों को, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं सब? मैं जानता हूँ हैरो हैफरीत से होंगे। हाँ, हमारे ज़िला गुजरात में पिज़्ज़ा खाया हमने आज, पिज़्ज़ा भी है और जिंगर बर्गर भी है, बहुत अच्छा है। बरए मेहरबानी फरमा के आप भी हमारे गुजरात का विज़िट करें और टेस्ट करें, थैंक यू, वेलकम। अच्छा, तो हमने तो रिव्यू ज़रियाब भाई को दे दिया, तो अब ज़रियाब भाई से पूछते हैं कि इनको इनका जिंगर बर्गर कैसा लगा। तो ज़रियाब भाई कैसा लगा आपको? यार बहुत अच्छी क्वालिटी का जिंगर है, ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। मुझे उम्मीद नहीं थी है कि मतलब 100 रुपये के अंदर इतना अच्छी क्वालिटी का आपको जिंगर मिलेगा। आप गुजरात लाजमी आएँ तो यहाँ का विज़िट करें, ठीक है। तंदूरी पिज़्ज़ा और तंदूरी चाय इनकी तो काफ़ी फेमस थी, लेकिन इनका जो फास्ट फूड है उसकी भी कोई जवाब नहीं है। और 200 रुपया वैसे आम प्राइस है, लेकिन ये 100 रुपये में दे रहे हैं आपको क्वालिटी का जिंगर। आपने देखा है, हमने वीडियो के अंदर शो किया है, हमारे आंखों के सामने सारा कुछ बना है, काफ़ी अच्छी इनकी क्वालिटी है। तो ये समझें कि अपनी तरफ से इनके पैसे लग रहे हैं, ठीक है, अपनी जेब से पैसे लगा के दे रहे हैं, क्योंकि 200 रुपया प्राइस है, 200 रुपये में इतना अच्छा जो है जिंगर वो नहीं मिल सकता, ठीक है। तो आप लाजमी यहाँ का विज़िट करिएगा और इनका फास्ट फूड भी काफ़ी अच्छा है और पिज़्ज़ा तो आप जानते ही हैं और चाय का भी आपको पता ही है वो काफ़ी फेमस है जी। बर्गर वगैरह मेरा दोस्तों ने खा लिया, अभी मेरा दोस्त देखें ये पिज़्ज़ा खा रहा है, ठीक है, तो तंदूरी पिज़्ज़ा इसने खाया, तो अभी इससे पूछेंगे कैसा लगा इसको पिज़्ज़ा, तो ये बताएगा हमें, बताइए कैसा पिज़्ज़ा लगा। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब भाइयों का, ठीक ठाक हो? हाँ जी माशाल्लाह बहुत अच्छा पिज़्ज़ा है, इस तरह का जलालपुर डेटा में भी नहीं है, तो मुनासब ही है, डील भी अच्छी है माशाल्लाह, सर्विस मोड पे है। आप भी जब आएँ गुजरात में तो ज़रूर विज़िट करें जी। तो ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी पिज़्ज़ा चेक कर रहे हैं इनका, ठीक है, तो इनसे जानेंगे कैसा लगा इनको पिज़्ज़ा यहाँ का। जी भाई बताइएगा। जी अस्सलामुअलैकुम। जी भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा तंदूरी पिज़्ज़ा इनका, ठीक है, इस तरह के हमारे गखड़ में भी नहीं है, मैं गखड़ से आया हूँ यहाँ पे खाने के लिए, ठीक है ना। आप लोगों से इल्तमास है जब भी आप आएँ यहाँ गुजरात और इनका पिज़्ज़ा लाजमी तौर पर चेक करके जाएं, खा के जाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा लो प्राइस में। ये आप देख सकते हैं काफ़ी रश हो चुका है, तकरीबन 7-8 बजे का टाइम है, ठीक है, जी दोस्तों। तो अभी शॉप के अंदर हमारे पास मौजूद हैं तंदूरी पिज़्ज़ा, तंदूरी चाय के गुजरात में, और जो शॉप के अंदर है हम उनसे जानेंगे कि कब से इनकी शॉप है और काफ़ी मशहूर है इनका तंदूरी चाय और तंदूरी पिज़्ज़ा, और उसके पीछे क्या रीज़न है। और आज हमने इनका जो जिंगर बर्गर खाया है वो भी कमाल था और सिर्फ 100 रुपये में, तो ये इनसे जानेंगे क्या सीन है इस सब के पीछे। जी बहुत शुक्रिया जनाब, वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने सेटअप पर।
और जो बात आपने की है, ये चाय का हमारा जो सेटअप था पहले वो तो तकरीबन 3-4 साल से है। अभी इसे तकरीबन 6 से 8 माह हुए हैं तंदूरी पिज़्ज़ा को जो है ना हमने स्टार्ट किया है और गुजरात में मुतारफ़ करवाया है। तो इसका जो इस सेटअप को वैसे 3 से 4 साल हो गए। और ये जो जिंगर पिज़्ज़ा है पूरे गुजरात में, मैं कह सकता हूँ मैं भी पूरे पंजाब में 200 रुपये तक बिकता है। आप 100 रुपये में दे रहे हैं और क्वालिटी हमने अपनी आंखों देखा बनाई है। आपने सारा कुछ मतलब सारा कुछ हमने देखा है अपनी आंखों से। बड़ी ज़बरदस्त किस्म का जिंगर बर्गर आपका बनाया है, क्वालिटी बड़ी अच्छी थी और सिर्फ 100 रुपये में दे रहे हैं, क्या रीज़न है? इसका रीज़न अपनी पब्लिक सिटी है और इसमें कह लें कि मैं किचन को सब्सिडीज़ दे रहा हूँ। ये तकरीबन मैं 30 से 35 रुपये जो है ना वो पर पीस में ख़ुद इसमें जो है ना किचन को सब्सिडी दे रहा हूँ ताकि एक दफ़ा आवाम को जो है ना अपना मैं टेस्ट मुतारफ़ करवा सकूँ और लो प्राइस पे मैं किसी तरीके सबको जिंगर जो है ना वो प्रोवाइड कर सकूँ। आज तो 100 रुपये में आपको अंडे वाला बर्गर नहीं कहीं से मिलता, तो वो तो आपने देख लिया, आपने देखा खुद आँखों के सामने तैयार होता, मटीरियल भी हमारा फ्रेश है और चीज़ भी क्वान्टिटी भी आपने क्वालिटी भी देखी है। तो 100 रुपये में वो कोई बंदा बिलीव ही नहीं कर सकता कि ये चीज़ 100 रुपये में बने। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, काफ़ी अच्छे से आपने हमें गाइड किया, तो मुझे उम्मीद है कि आपका इसी तरह बिज़नेस जो है वो अच्छा खासा चलेगा और लोग आपका पिज़्ज़ा और जितना भी आपके पास चाय वगैरह है और जिंगर आपके पसंद करेंगे क्योंकि क्वालिटी अच्छी है। दूसरी बात ये है कि प्राइस जो है वो भी काफ़ी जो है ना अफोर्डेबल है। तो बहुत शुक्रिया सर आपका। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो तंदूरी चाय, तंदूरी पिज़्ज़े और इनके जिंगर बर्गर की अच्छी लगी होगी। तो उम्मीद करते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली इनको शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।